जम्मू से डोडा में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। बादल फटने के बाद फ्लैश फ्लड की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। बादल फटने से पानी का रेला इस कदर आया कि इसकी चपेट में 7 से 9 घर और दुकान आ गए। कई लोगों के लापता होने की भी खबर है। 9 मकान जो इसकी जद में आए और उसके बाद तबाही का मंजर वहां पर, लेकिन 3 लोगों की इसमें मौत हो गई, जबकि कुछ लोग और हैं जो बताए जा रहे हैं कि लापता हैं। जम्मू का डोडा इलाका जहां बादल फटने से ये तबाही हुई, और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार इस पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या ताजा स्थिति वहां पर अभी है? जी मीनाक्षी, अभी तक जो है 3 बॉडी जो है वहां से निकाली गई है। एक जो मकान के अंदर एक बच्ची था जो कुछ दिन बाद हादसे का रहने वाला है, उसको रेस्क्यू किया गया है। अभी तक टोटल जो है 9 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। अभी काफी लोग मिसिंग है, कितने लोगों की अभी डेथ हुई इसमें अभी तक कोई इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। 3 लोग जो है अभी तक बॉडी निकाली गई है, और ये सुबह 2 बजे करीब जो क्राउड ब्रस्ट हुआ है ठाठरी नाला के बाद डोडा ठाठरी हाईवे के ऊपर, और वहां पर जो है फ्लैश फ्लड आया है। आप देख रहे हैं कि विजुअल्स में किस तरह की तबाही बची हुई है, और वहां पर लगातार जो है रेस्क्यू टीम पहुंचती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर मिलती है तो एकदम निकाला जाए वहां पर, मगर अभी ऑपरेशन जारी है। हाईवे पूरा क्लोज हो गया, वहां पर जाना मुश्किल है, और जो आस पास के जितने भी सुरक्षा बल CRPF जम्मू कश्मीर पुलिस वहां पहुंची और रेस्क्यू चालू है। जी, ये जहां पर बादल फटा है ये किस तरह का एरिया है, कितना हिस्सा यहां का प्रभावित है? जी, ये डोडा जो ठाठरी हाईवे है, ये एक वक्त ठाठरी का इलाका मिलिटेंसी एरिया होता था, और अभी शांति है बिल्कुल यहां पर काफी सालों से। और आप देख रहे हैं कि विजुअल्स में किस तरह से जो फ्लड्स आए हैं, फ्लड की वजह से जो है पूरा जो नाला बह चुका है, और लोग जो है दूसरे मकानों पर छतों पर चढ़कर देख रहे हैं, क्योंकि नीचे रुकना काफी मुश्किल है। वहां से काफी जो है फ्लड आ रहे हैं, और पूरा हाईवे जो है वहां से आगे जो है बंद हो चुका है, और वहां पर एक प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग भी पूरी वॉश आउट हो चुकी है। 7 से 10 मकान जो है बिल्कुल जो है बह चुके हैं, और ये पहाड़ी इलाका है, और आप देख रहे हैं कि जो पहाड़ियों पर लोगों ने मकान बनाए हुए थे, और साथ में सारे जो है वो मकान जो नीचे वाले नाले के साथ साथ के जितने मकान है सारे बह गए हैं। अभी तक कैजुअलिटी कितनी बढ़ सकती है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, जब तक कि पूरा क्लीन ऑपरेशन नहीं होता, और लगातार जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी शुक्रिया अश्विनी आपका इस जानकारी के लिए, आपसे अपडेट्स आगे भी लेते रहेंगे।